नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल राणा वर्ल्ड पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजगार की नई नई खबरें। दोस्तों, अभी हमने आपके लिए एक नया पेज शुरू किया है Facebook पर, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वो पेज जाके लाइक कीजिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल राणा वर्ल्ड पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ वैकेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की, जिसमें आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने काफी सारी वैकेंसीज निकाली हैं दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों, इससे पहले मैं शुरू करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप ये पूरा का पूरा वीडियो देखें ध्यान से, और अगर आपको आए पसंद तो कीजिएगा लाइक और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, बस यही आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन के लिए ही हम लोग आपके लिए रोज नए नए वीडियो लेकर आते हैं, जिससे कि आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी कोई इंफॉर्मेशन हो उससे अपडेटेड रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आरपीएफ और आरपीएसएफ इन दो में वैकेंसीज निकाली है, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, जो कि लेवल 3 पे है ग्रुप सी, और 7th पे कमीशन के हिसाब से इनिशियल पे मतलब बेसिक पे है ये दोस्तों 21,700। बेसिक का मतलब है आप जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी इसकी लगभग डेढ़ गुना होगी, तो आप करीब 32,000 से 33,000 रुपए पर मंथ ग्रॉस सैलरी अपनी मान के चलिए, ये तो मिनिमम आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको अलाउंसेस डीए एचआरए ट्रांसपोर्ट, और क्योंकि ये फोर्स है इसमें जो आपकी यूनिफॉर्म अलाउंस है वो काफी सारे अलाउंसेस होते हैं वो आपको अलग से मिलेंगे। और ये दोस्तों, ये मैं कुछ अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि इन्होंने मेंशन की हुई है यहाँ। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका जो है 1 जून से शुरू हो जाएगा, जो कि पूरा जून चलेगा 30 जून तक, तो ये आप याद रखिएगा, ये पूरा जून आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इन्होंने इसके जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसकी भी टेंटेटिव डेट दे दी है। टेंटेटिव मतलब फिक्स नहीं है, सितंबर और अक्टूबर में कभी भी हो सकता है, ये लोग आपको अपडेट कर देंगे इसके बारे में जब भी ये एग्जाम होगा और सेंटर के कहां आपका सेंटर पड़ा है। दोस्तों, एक चीज और, ये सारी की सारी वैकेंसीज इन्होंने पहले ही क्लियरिफाई कर दी है कि मेल्स के लिए कितनी है, फीमेल्स के लिए कितनी है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इन्होंने पहले ही ये डिवाइड किया हुआ है, ये ग्रुप सी में है दोस्तों, यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया। और हाँ, इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्रिप्शन में ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। और अप्लाई करने से पहले इस पूरे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसे ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, इसमें तो ये काफी सारी टर्म एंड कंडीशन दी हुई है, ये मैं आप पढ़ लीजिएगा। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एज कैलकुलेशन होगी दोस्तों 1 जुलाई को, मतलब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे वो 1 जुलाई को कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपकी एज मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो इसमें 3 साल ऐड कर दीजिए, मतलब 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो इसमें 5 साल और ऐड कर दीजिए, आप 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई हमारा दिव्यांग भाई या बहन है वो इसमें 10 साल और ऐड कर सकता है, और एक्स सर्विसमैन 8 साल। तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फोर्स वाली है तो इसमें दिव्यांग के लिए तो कोई होगी नहीं, ये जो मैंने आपको एज रिलैक्सेशन बताया ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हर एक जॉब में यही लागू होता है। तो ये सारी डिटेल आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और हिंदी के लिए भी मैंने नीचे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। और इसमें दोस्तों हर एक जोन में है, और ये काफी सारी जोन है, मैं आपको बता दूं, जिस जोन में आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो उससे दूसरी जोन में आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और अब ये मैं आपको वैकेंसीज बता देता हूँ किस जोन में कितनी है, ये देखिए, ये मैंने हाईलाइट कर दी है। इसमें दोस्तों सबसे पहले एसआर मतलब साउथ रीजन, साउथ वेस्ट ये रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे,
इसमें टोटल वैकेंसी है दोस्तों 804। ऐसे ही सीआर सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसमें है टोटल 440। ये आप सारी डिटेल देख लीजिएगा। और ये दोस्तों टोटल मिला के हैं 8619 वैकेंसी। ठीक है, ये काफी सारी वैकेंसी हैं जो कि आरपीएफ ने निकाली हैं। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, अगर आप जिस जोन में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका दूसरी जोन में ट्रांसफर नहीं होगा, विद इन जोन आपका कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। तो आप उसी हिसाब से भरिए जिस जोन में आप रहना चाहते हैं। और ये देख लीजिएगा, ये सारी टर्म एंड कंडीशन यहाँ इन्होंने दी हुई है। अब मैं आपको एज तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, और ये आप क्वालिफिकेशन और देख लीजिए। क्वालिफिकेशन इसमें खाली हाई स्कूल ही चाहिए कॉन्स्टेबल के लिए, एज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये फिजिकल मेजरमेंट है, अनरिजर्व और ओबीसी के लिए दोस्तों हाइट है 165 सेंटीमीटर और लेडीज के लिए है 157, चेस्ट अनएक्सपेंडेड बिना फूली हुई 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85, मतलब 5 सेंटीमीटर आप फुला सके। और क्योंकि आप लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक आप लोग इसके लिए फिजिकल के लिए पहले ही प्रिपेयर होंगे। एससी एसटी के लिए दोस्तों 160 है हाइट, और फीमेल के लिए है 152 सेंटीमीटर, और चेस्ट है दोस्तों 76.2 76.2 से, और एक्सपेंडेड है 81.2, ये भी 5 सेंटीमीटर का ही है। और ये 4 गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमाऊनीज एंड अदर कैटेगरीज, ये इन्होंने अलग से इसमें मेंशन की हुई है, तो ये आप देख लीजिएगा। और ये एज रिलैक्सेशन जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ये सारा वही का वही है, ये स्टैंडर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई भी जॉब हो उसमें यही लागू होता है, तो इसमें कोई वरी होने की जरूरत आपको नहीं है। और अगर आपको एज कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो तो ये इन्होंने यहाँ मेंशन की हुई है, ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके पहले की नहीं होनी चाहिए, 2/7/1993 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 2/7/1990 और एससी एसटी के लिए 2/7/1988, इससे अगर पहले की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर आप एज कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देख लीजिए। और दोस्तों ऊपर आप लोग आई बटन देख रहे होंगे, उसमें सजेस्टेड वीडियोज हैं आप लोगों के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उन वीडियोज को भी एक बार जरूर देखें। और दोस्तों ये है फीस, जनरल कैटेगरी के लिए है 500 रुपए, जो कि ऑनलाइन ही आप लोगों को पे करनी है। और एससी एसटी के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, फीमेल या माइनॉरिटी हैं, या जो ओबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं जिनकी इनकम 50,000 एनुअली है पर फैमिली की, उनके लिए 200 रुपए है। और आपको एक चीज मैं और बता दूं, ये सारी की सारी फीस जो आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, और इन्होंने कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के, आप उस फॉर्मेट में अपने सारे सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि बाद में जो है जब आप ज्वाइनिंग के टाइम जाएंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपसे उसी फॉर्मेट में ये सारे के सारे सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये नोटिफिकेशन काफी बड़ा है, 27 पेज का है, इसे टोटली कवर करना इस छोटे से वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको जो है सीधा वो जो फॉर्मेट्स हैं वो मैं दिखा देता हूँ। चलो पहले एग्जाम के बारे में बता दूं दोस्तों, ये सीबीटी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये सभी जोन्स के लिए एक साथ ही होगा, ऐसा नहीं है कि आज हो गया कल हो गया, सभी के लिए अलग अलग, सभी के लिए एक साथ ही होगा, सेम पेपर होगा। और ये इन्होंने यहाँ लैंग्वेज मेंशन की हुई है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमी, मणिपुर एंड पंजाबी, सॉरी ये सभी के लिए होगा, और 10th लेवल का ही एग्जाम होगा। और इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, एक सही आंसर के लिए आपको एक नंबर मिलेगा, और अगर आपका गलत होता है, अगर आपके 3 गलत हो जाते हैं तो एक नंबर आपका कट जाएगा, 1/3 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग वो भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। और अब आप ये देख लीजिए, इसमें मैं आपको बता दूं, ये कुछ इन्होंने सर्टिफिकेट नीचे दिए हुए हैं जो कि आपको प्रिपेयर कर रखने हैं, ये देखिए, ठीक है, ये है दोस्तों, सबसे पहले है कास्ट सर्टिफिकेट,
फॉर SC ST के लिए इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसलिए आप पहले से ही ये तैयार रखिए। कहीं ऐसा ना हो आपने स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनवाया हुआ हो और आपका सिलेक्शन हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। और ये दूसरा है, ये OBC के लिए है, वो लोग भी इस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखें। और एक और है, ये है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, ये परफॉर्मा दिया हुआ है ओबीसी के लिए भी, तो इसमें आपको बनवा के रखना है। और ओबीसी जिनको फी एग्जेम्प्ट करानी है उनके लिए भी एक परफॉर्मा है जो कि उन्हें ये बनवा के सबमिट कराना है, उसके बाद ही हो पाएगी। तो दोस्तों मुझे मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो कीजिएगा लाइक। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर रखें, हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो में मिल जाएगा। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है उसका लिंक भी हम लोग दे देंगे जो कि 1 जून से शुरू होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, थैंक यू, बाय बाय।